आमेस मिठा तारा फिर मन सिखा पधुं स्माध्यामी आमेस मिठा तारा फिर मन सिखा पधुं स्माध्यामी। बच्चों के नाम भाग दो। हमने पिछली सीरीज में आपको जो बताया था उसमें 10 लड़कों के नाम बताए थे, जिसमें आखिरी नाम था अक्खिक। अक्खिक का मतलब आंख वाला। और उसके बाद जो नाम आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अखिल, अखिल, अखिल जो शब्द है, अखिल का मतलब होता है ऑल, जैसे कहते हैं अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, तो अखिल का मतलब होता है समस्त सारे। अखिल नाम बहुत फेमस है और ये पाली का नाम है अखिल। अगरू और अगलू, अगरू और अगलू दोनों का मतलब है सुगंधित कठ, यानी कि आपने काठमांडू सुना होगा, काठमांडू का मतलब है कठ का मंडप, यानी कठ की छतरी। कठ माने बोलते हैं पाली में लकड़ी को। कठ फोड़ना सुना होगा आपने, कठ फोड़ना, जो एक पक्षी होता है जो कठ को फोड़ता है यानी लकड़ी को फोड़ता है, उसको कठ फोड़ना बोलते हैं। तो ये जो शब्द है, यानी जो सुगंधित कठ होती है, सुगंधित लकड़ी होती है, जैसे चंदन होता है, तो चंदन का जो नाम है यहां पर उसको बोला गया है अगरू और अगलू, यानी अगरू भी बोल सकते हैं और अगलू भी बोल सकते हैं, इसका मतलब चंदन होता है, अगलू या अगरू। अग जो होता है वो बड़ा बढ़िया नाम है। अग का मतलब है सबसे, सबसे आगे, यानी जो अग होता है, जैसे अग्र सैनिक, अग्र सैनिक का मतलब है कि जो सेना में सबसे आगे रहते हैं, अग्र सैनिक, अग्र सैनीय, यानी कि जो अग्र सेना के अंदर जो सैनिक अग्र है उनको अग्र सैनीय बोलते हैं। बाद में आधा रे लगाया गया, इसमें अग्र बना दिया अग का, तो अग सैनीय, अग सैनिक या अग, ये अग जो नाम है सबसे आगे, सबसे श्रेष्ठ नाम है। अग्गज, अग्गज का मतलब है बड़ा भाई, यानी कि जो मेरे अग्गज है, मेरे आगे है, जो मुझसे पहले पैदा हुआ है वो अग्गज हो गया, तो वो मेरे बड़े भाई के नाम यहां अग्गज होता है। अग्गज बहुत जगह यूज भी होता है, खाली बड़े भाई के अलावा अगर हम ये कहें कि ये अग्गज है, लाइन में आगे है, तो उसको अग्गज बोला जा सकता है। अग्गज का मतलब है बड़े भाई, जो मुझसे पहले आए हैं, जो मुझसे पहले पैदा हुए हैं। अग्गई, अग्गई का मतलब है अग्र माने आगे होता है, आई माने जानकारी, यानी कि अग्रितम, यानी कि जो आगे, सबसे आगे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनको अग्गई बोला जाता है, जो बिल्कुल शुरुआत में होते हैं, अग्गई। अग्गी, अग्गी माने होता है आग, आग को बोलते हैं अग्गी। अग्ग माने सबसे आगे, आगे वाला, और अग्गी माने आग। अंकित, अंकित का मतलब होता है जो अंक किया गया हो, जिसको छापा गया हो, उसको अंकित बोलते हैं। ये पाली का शब्द है, पाली के वर्ड है अंकित। अंकुर, अंकुर का मतलब है जो कली खिलती है, जो फूटती है, कली भी बोलते हैं, और जो बरुआ होता है, छोटा पौधा होता है नन्ना, जो फूटता है उसको अंकुर बोलते हैं, अंकुरित होना। तो अंकुर शब्द पाली का शब्द है अंकुर। ये मेल नाम है, जो महिलाओं के नाम है वो इस प्रकार से हैं। अचिरवती, अचिरवती, अचिरवती जो गंग है यानी गंगा है, अचिरवती का मतलब है जो नेपाल से यूपी में गंगा बहती है, उसका नाम अचिरवती गंग दिया गया, या अचिरवती गंगा। तो गंगा नाम भी पाली में जो आता है वो महिलाओं के लिए है, और अचिरवती भी नाम जो आता है वो महिलाओं के लिए आता है, जो एक गंग का नाम है, गंगा का नाम है। इसको अजीरावती भी बोलते हैं, अजीरावती, अचिरवती या अजीरावती गंगा। अचना एक नाम है, अचना, अचना को संस्कृत भाषा में अर्चना बोलते हैं, अचना। एक नाम है महिला का अच्छी, अच्छी का मतलब अर्ची बाद में बोला गया, अच्छी का मतलब है ज्वाला, यानी कि जो फ्लेम होता है आग का, फायर का फ्लेम, ज्वाला, उसको अच्छी बोला गया है, अच्छी। अच्छरा, अच्छा नाम तो आपने देखा, सुना होगा अच्छरा, क्या बोलते हैं, बड़ा फेमस नाम है, कई फिल्मी जो कलाकार हैं उनमें शायद एक का नाम अच्छरा है। तो अच्छा नाम, अच्छा नाम जो है वो अच्छे से संबंधित है, यानी कि अगर
कोई लड़की अच्छी है तो उसको अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आ लग गया। एक तो अच्छे हो गया, जैसे अच्छे लाल, अच्छे सिंह, अच्छे प्रसाद, अच्छे, तो अच्छे नाम पाली के अंदर बहुत चलता था। और पुराने लोगों का नाम अच्छे सिंह, अच्छे लाल, अच्छे मन, अच्छे प्रसाद बहुत ज्यादा है। और अगर अच्छे का फीमेल बोलेंगे तो अछरा हो गया, यानी अछरा प्रसाद हो गया, या अछरा सिंह हो गया, या अछरा लाल हो गया, या अछरा मन हो गया। अच्छा महिला के लिए बहुत सुंदर नाम जाना जाता है, ऐसे ही पुरुष के लिए अच्छे। अच्छी, अच्छी का मतलब है चक्षु वाली, यानी कि आंख वाली। अच्छी बोलते हैं या अक्खी बोलते हैं, अक्खी या अच्छी, ये दोनों ही नाम महिला के लिए आते हैं, जिसमें आंख वाली हो गई, जो उसमें अखे थे, अक्खा था, अक्खू थे, ऐसे ही इसमें अच्छे है, अक्खी है। अक्खी माने भी आंख होता है, अच्छी माने भी आंख होता है, और चक्षु माने भी आंख होता है। महिला के लिए जो नाम आता है वो अच्छी आता है, यानी कि अच्छी माने आंख वाली, ये महिलाओं के नाम है। और जो बच्चों के नाम है, ये सीरीज टू में आज इतना ही। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदलकर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.
तीयं पीतंगं शरणं गच्छामि तत्तीयं पीतंगं शरणं।